नमस्कार, मैं बाबा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज़ की ओर से। आप देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की प्रमुख सुर्खियाँ। पासी समाज की महिला के समर्थन में आजाद समाज पार्टी की तहसील मिलक के गेट पर प्रदर्शन। आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलक में तहसील गेट पर पासी जाति की महिला के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया हुआ। क्योंकि उक्त महिला की लड़की के साथ दो लड़कों ने बलात्कार किया, जैसा कि उस महिला ने बताया है। मैं शिवो मिलक से मिली जो इस घटना में विवेचक है। उन्होंने इस महिला को पासी मानने से इनकार कर दिया, जबकि उसके पास जाति के सर्टिफिकेट मौजूद है। वह सिर्फ इस मामले में लीपापोती कर रहे हैं। महिला का कहना है कि मैं एक महीने से चक्कर काट रही हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धारा 166A, 167, 201, 218 में सीओ मिलक पर मुकदमा करना और रामपुर में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीओ मिलक बीजेपी के लोगों के कहने पर आरोपियों को बचा रहे हैं। माँ की तरह हैं और ये बैठी हैं हमारे बराबर में ही। ये कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मिली थी और इन्होंने अपनी गुहार वहाँ लगाई थी और इनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। दो लोगों ने बलात्कार किया, लेकिन क्षेत्राधिकारी मिलक जो है सीओ साहब, ये विवेचक है मामले के। इन्होंने SC ST एक्ट की धारा को खत्म किया, इन्होंने मुकदमे को कमजोर किया, लीपापोती की और यहाँ तक के SC ST एक्ट की तो धारा है, ये लोग बता रहे हैं कि ये SC ST एक्ट के SC है ही नहीं, यानी पासी है ही नहीं, SC में ही नहीं है। इनकी जाति के सर्टिफिकेट पूरे ये मेरे पास हैं, पूरे इनके खानदान के लोगों के जाति के सर्टिफिकेट हैं, ये सारे सर्टिफिकेट हैं, ये सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है, लेकिन सीओ मिलक ये कहते हैं कि ये पासी नहीं है, यानी SC नहीं है। तो ये लीपापोती की जा रही है। IPC की धारा 166A, IPC की धारा 167, IPC की धारा 201, IPC की धारा 218, मुकदमे में लीपापोती करना और मुकदमे को लीपापोती करके आरोपियों को बचाना। सीओ मिलक पे चारों धाराएं लग सकती हैं, चारों धाराओं के खिलाफ लेकर हम इनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। ये समझ नहीं रहे मामले को, RSS BJP के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं और जो आरोपी थे इन्होंने BJP के लोगों ने उनको बचाने का काम किया है। सीओ मिलक से साठगांठ करके, ये विवेचक से साठगांठ करके आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। 2017-2014 के बाद से जब से BJP के लोग सत्ता पे बैठे हैं, ये लोग ये समझते हैं कि हम जनता के बाप हैं, देश के बाप हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इनकी भी बाप है। हम ये बताने आए यहाँ पर, नहीं करेंगे तो जो मैंने आपको धाराएं बताई IPC की, इन धाराओं में सीओ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। दूसरी बात, मुकदमे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे रामपुर में। अगर हमारी माँ के साथ कोई बहन के साथ अत्याचार और जुल्म बड़ा, इनके साथ जब वो सीओ ऑफिस में जाती हैं तो अभद्रता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी हर कमजोर दलित मुस्लिम हर कमजोर असहाय की लड़ाई को लड़ती है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम है। क्या हुआ था सर? अब से 3 महीने पहले मेरी लड़की उठाई गई घर से और अत्याचार कर रहा था मेरी लड़की के साथ में। 2 जनों ने करा था, उसमें 1 जन का नाम ले दिया और मेरी SC ST खत्म कर दी है। और इसमें भी मेरे पति का भी प्रमाण पत्र है, मेरा भी प्रमाण पत्र है, मेरे बेटा का भी प्रमाण पत्र है। आधे में SC ST लगा दी SC सामने, आधे में SC ST लगा दी फाइल में, आधे में नहीं लगाई। क्या अन्याय कर रहे आ रहा है मेरे साथ में? न्याय क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? मैं सब मेरे भैया के हाथ जोड़ कर कहती हूँ मेरे साथ में अन्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए मेरे साथ में। मैं सबके हाथ जोड़ कर कहती हूँ मेरे भैया सुन रहे हो ना मेरी पुकार, मेरे रात में कर रहे हैं। मैं सबके दौरे जा रही हूँ, सीओ के दौरे गई, DM के दौरे गई, तहसीलदार के दौरे गई, लेखपाल के दौरे गई, मगर मेरी कोई नहीं सुन रहा। मेरी जाति पे न्याय कर रहे हैं कि तुम पासी जाति नहीं हो। मेरे प्रमाण पत्र बनवाने सब तरह के हैं मेरे पास में, मेरे सीओ ने भी किया है और तहसीलदार ने भी किया है, लेखपाल ने भी किया है, इन सब ने कहा तुम पासी नहीं हो। जी मैं सीओ के भी दौरे दे चुकी हूँ, एप्लीकेशन एक DM के दौरे भी दे चुकी हूँ। कब की बात है? हाँ, सबके पास में दे चुकी। कब की बात है?
अभी कब की बात है, कम से कम हो गए मुझे एक महीने से मैं भाग रही हूँ इसमें। एक महीने से किसी हाँ, कोई कार्रवाई नहीं। जब से भाग देती रही तहसीलदार के धोरे, तीन महीने हो गए मुझे तहसीलदार के धोरे भागते हुए, तहसीलदार ने भी कोई मेरी कार्रवाई न करी। तुमने कोई प्रूफ किया कि मेरी जाति पासी है या नहीं है? नहीं दिया मैंने, सबको दिया, मेरे प्रूफ हिंगे सारे हैं मेरे पास, सारे प्रूफ जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं आपके। पासी जाति एससी में आती है सब, ये एससी में होना मना कर रहे हैं, पासी एससी में नहीं आते। हमारी धारा खत्म कर दी उसने, पास को एक तक लगी है लेकिन पास को एक भी खत्म कर रहे हैं इसी साथ। तो क्या मैं मर जाऊँगी, जहर खा के कहूँ चली जाऊँ, कहाँ कर क्या करना चाहिए मुझे, अपने परिवार को पूरे को जहर।